What is up friends, मैं प्रणव आपके चैनल SSB Made Easy में एक और नए वीडियो के साथ। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है मेडिकल SSB मेडिकल एग्जामिनेशन। देखिए दोस्तों, SSB मेडिकल एग्जामिनेशन आपका तब कंडक्ट किया जाता है जब आप रेकमेंडेड हो जाते हैं, और ये कुछ 4 से 5 दिन तक वेरी करता है। अब इसमें मैंने टोटल आपके 11 पॉइंट बनाए हैं जिस पे आपको आपको पता होना चाहिए और जिनको आप अपने हिसाब से ठीक कर सकते हैं जब आप SSB के अंदर जाएं। तो इनकेस अगर आप SSB में रेकमेंड हो जाते, जो बहुत अच्छी बात है, तो आप अपने हिसाब से इंश्योर रहेंगे कि आपके क्या टेस्ट किए जाएंगे। आपको ये भी पता होगा कि अगर आपको कोई पहले से दिक्कत है तो आप उसे ठीक करके जा सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहला होता है आपका आई साइट। अब देखिए, आई साइट में आपका आर्मी ही एक ऐसी विंग है जिसमें आप अपना चश्मा पहन के जा सकते हैं, और एयरफोर्स और नेवी की कुछ कुछ ब्रांचेस ऐसी हैं जिसमें आप चश्मा पहन सकते हैं। मैं इसमें केवल आपको आर्मी के बारे में एलैबोरेट करके बताऊंगा। आर्मी में दोस्तों आप प्लस माइनस 3.5 डायोप्टर तक का चश्मा पहन सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जब आपने चश्मा पहन लिया तब आपकी आई साइट 6x6 की होनी चाहिए। आर्मी नेवी और एयरफोर्स में ऐसा नहीं होता। नेवी और एयरफोर्स में कुछ कुछ ब्रांचेज होती हैं जिसके बारे में डिस्क्रिप्शन में बताऊंगा आपको। तो ये आपका आई साइट का होता है। अगर आपको मान लीजिए चश्मा चढ़ा हुआ है तो आप अपना एक ऑपरेशन करा सकते हैं जिसमें आप अपनी आई साइट 6x6 करिए और वापिस आ सकते हैं। तो ये आप एक हिसाब से ले सकते हैं क्यूरेबल डिजीज है, क्यूरेबल है आपके लिए। दूसरी दोस्तों, स्क्विंट आई। देखिए, अभी अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं मेरी दोनों आंखें हैं वो आप स्ट्रेट आपको देख रही हैं, या फिर आप कह सकते हैं पैरेलल में देख रही हैं। बट स्क्विंट आई में ये होता है कि आपकी राइट वाली आई राइट हैंड साइड पे हो और लेफ्ट वाली आई लेफ्ट हैंड साइड पे हो, जिससे आपका एक स्ट्रेट विजन नहीं दिख रहा आपको, उसे स्क्विंट आई बोलते हैं, और ये एक परमानेंट रिजेक्शन होता है आपके लिए। तीसरा दोस्तों, कैरिंग एंगल। कैरिंग एंगल में क्या होता है, अगर जैसे मान लीजिए मैंने अपना हाथ स्ट्रेट कर दिया है तो जो मेरा एंगल इस एरिया में बन रहा है उसे बोलते हैं कैरिंग एंगल। और ये एंगल अगर आपका ज्यादा होता है, मतलब आपका हाथ अगर आपने स्ट्रेच करा है तब भी आपका हाथ ज्यादा बेंड है, तो ये आपके लिए एक रिजेक्शन होता है, इसे बोलते हैं कैरिंग एंगल। इसे आप ठीक करने के लिए ये क्या कर सकते हैं कि अगर आपको कैरिंग एंगल है, इनकेस आप हर दिन अपने हाथ को स्ट्रेट करिए और यहां से प्रेशर लगाइए। आपको यही चीज दिन में कम से कम 1 से 2 बार ही करनी है, 3 से 4 मिनट तक, और इसको आप मुश्किल से 20 से 25 दिन तक प्रैक्टिस करिए, ठीक हो जाएगा आपका कैरिंग एंगल। चौथा दोस्तों, स्वेटी पाम्स। अब स्वेटी पाम्स बहुत से लोगों के लिए रिजेक्शन बनता है। इसको आप कैसे क्योर कर सकते, पहले बताता हूँ होता क्या है। इसमें देखिए, आपको एक जगह पे बिठाया जाएगा जहां पे आपको कहा जाएगा कि 15 मिनट के लिए आपको अपना हाथ यहाँ की आपकी पाम आपको बंद करके रखनी है। उसके बाद एक मेडिकल एग्जामिनर आएगा और वो आपकी पाम के अंदर हाथ उंगली डालेगा और उसे फिर वो बाहर खींचेगा। अगर वो उंगली बाहर निकल जाती है और उंगली के आसपास स्वेट होता है तो ये कंसिडर किया जाता है कि आपके हाथ में स्वेट है, दैट इज यू पजेस स्वेटी पाम्स। इसका मतलब होता है स्वेटी पाम्स। अब ये दोस्तों, आप ये तो मैंने आपको बता दिया, मैं आपको बाद में अगर किसी कुछ लोगों को ये है तो उसे आप कमेंट में डालिए, मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं स्वेटी पाम्स को। ये भी इतना कुछ बड़ा आपके लिए इशू नहीं होगा। पांचवा होता है दोस्तों, हाइट एंड वेट। हाइट एंड वेट ऐसा कोई इशू नहीं होता, बस आपकी मिनिमम हाइट 157 सेंटीमीटर से ऊपर या 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तभी आप आ सकते हैं फोर्सेस के अंदर एज एन ऑफिसर। और दोस्तों, वेट का मैं बता रहा हूँ, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि मैं जब आर्मी के में गया था तो जो मेरे साइड में बंदा था उसका वेट भी नियर अबाउट 85 to 79 kg था, कुछ ऐसे करके, और उसकी हाइट मुझसे भी छोटी थी, तो कोई दिक्कत नहीं होती है ऐसे आपको हाइट एंड वेट के रिगार्डिंग। अब छठा आता है दोस्तों, फ्लैट फीट में देखिए आप कैसे चेक कर सकते हैं उसे। आप पहले बाथरूम में जाइए, अपने पैर के तलवों को गीला करिए और बाहर आके पायदान पे सीधा खड़े हो जाइए और सेम टाइम हट जाइए। आपको दिखेगा कि अगर आपके पायदान पे आपके पैर का इंप्रेशन आता है जिसमें एक सी शेप बन रहा है, तो आपका इसका मतलब ये है कि आपको फ्लैट फीट नहीं है। बट वहीं अगर आपके पूरे पैर का छाप आ रहा है, इसका मतलब आपको फ्लैट फीट है। तो दोस्तों, इसको ठीक करने का तरीका ये है कि अगर आपका पैर ऐसे है तो इस एरिया में आप रस्सी बांधिए, और रस्सी बांध के दिन में 2 बार ही चलिए 3 से 4 मिनट के लिए, तो इससे जो आपका फ्लैट फीट है वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, सातवां आता है आपका नॉकनीज। अब नॉकनीज क्या होता है, देखिए बहुत से लोगों को मिसकंसेप्शन होता है कि नॉकनीज आपका घुटनों का भिड़ना होता है या फिर आपके घुटनों की बाहर की स्किन का भिड़ना होता है। अब अगर आपके घुटनों की बाहर की स्किन भिड़ रही है तो यह नॉकनी नहीं है। इसमें कंसिडर किया जाता है कि आपके बॉडी के अंदर फैट कंटेंट ज्यादा है और वो भिड़ रहा है। अगर आप नॉर्मली चल रहे हैं तो आपके अगर घुटने नहीं भिड़ रहे तो आपको नॉकनीज नहीं है। वहीं अगर आप नॉर्मली चल रहे हैं और आपके घुटने आपको ज्यादा भिड़ रहे हैं जिसकी वजह से आपको अपने पैर थोड़े चौड़े करके चलना पड़ता है, उसे बोलते हैं नॉकनी। इसको टेस्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आप पहले एकदम सावधान की पोजीशन में खड़े हो जाइए, अपने पैरों को ऐसे मिलाइए, उसके बाद एक 45 डिग्री का एंगल बनाइए आप। अगर आपने 45 डिग्री का एंगल बनाया और तब भी अगर आपके घुटनों की हड्डी एक दूसरे से टच कर रही है तो ये नॉकनी है। अगर बाहर की स्किन टच कर रही है तो नॉकनी नहीं है।
इसे ठीक करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप एक बारी दिन में कम से कम 2 से 3 बार नॉर्मली एक बार खड़े होइए, अपने घुटनों के बीच में एक पिलो को डालिए और खड़े रहिए, और अपनी कोशिश करिएगा कि जो नीचे के पैर है, तलवे हैं आपके, वो टच करते रहें दूसरे को। यही आपको एक्सरसाइज दिन में 2 बारी करनी है, 3 से 4 मिनट तक, 25 से 30 दिन तक। गारंटीड है कि आपकी नौकनी ठीक हो जाएगी उस। और अगर आपके पास, अगर आप हॉर्स राइडिंग करते हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हॉर्स राइडिंग करिए, नौकनी ऑटोमेटिकली आपकी ठीक हो जाती है। 8वां दोस्तों कलर ब्लाइंडनेस है। देखिए कलर ब्लाइंडनेस एक ऐसा है, ऐसा टेस्ट है जो आपको अगर आप पास नहीं करते तो ये परमानेंट रिजेक्शन शो करता है। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, एक शीट ऑफ पेपर दिया जाएगा जिसमें आउटर या फिर शीट ऑफ पेपर के अंदर छोटे छोटे डॉट्स होंगे ऑरेंज कलर के, रेड कलर के, और उनके अंदर मान लीजिए कोई नंबर, जैसे मान लीजिए नंबर 7 होगा ऑरेंजिश कलर का, तो ये आपको देख के समझ जाना चाहिए कि हाँ कलर डिफरेंस क्या है। और आपको ऐसी कोई 10 से 12 शीट्स दी जाएंगी, आपको उनको पढ़ के बताना है कि उनमें लिखा क्या है। तो दोस्तों अगर आप उनको नहीं क्लियर देख पाते या नहीं आप उनमें डिफरेंशिएट कर पाते तो ये आपका कलर ब्लाइंडनेस है, और सॉरी ये क्योरेबल नहीं है, तो ये परमानेंट रिजेक्शन आ ही जाएगा आपके लिए। 9वां दोस्तों ट्रेम्बलिंग होती है। आपको कहा जाएगा कि एक स्ट्रेट पोजीशन में खड़े रहिए, अपने दोनों हाथों को आगे करिए और जितना हो सके उनको उतना स्ट्रेच करिए इसे, और इस केस में अगर आपके हाथ ऐसे कांपते हैं तो इसे बोलते हैं ट्रेम्बलिंग। इससे अब ये दोस्तों अगर कुछ लोगों को हो, सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप हर दिन खड़े रहिए और ऐसे अपने हाथ आगे करिए। इसको सुबह सुबह ट्राई करिएगा, सुबह सुबह 1 से 2 मिनट तक आप सीधे हाथ रखिए और अपने जो पैर है नीचे के तलवे उनको भी उठा दीजिए। उससे आपको ये हाथ से 10 से 12 दिन तक प्रैक्टिस करना है, जिससे आपकी हाथों की जो ट्रेम्बलिंग होती है वो एकदम कम हो जाएगी, एकदम स्टेबल हो जाएगी। इस हिसाब से आपको करना होता है। 10वां दोस्तों होता है फुल बॉडी चेकअप। अब देखिए फुल बॉडी चेकअप, अगर आपको लगता है कि कोई दिक्कत है, आप कुछ मत करिए, सीधा एक हॉस्पिटल में जाइए, उनको बोलिए कि आप मेरा फुल बॉडी चेकअप कर दीजिए। फुल बॉडी चेकअप में वो आपके सारे जॉइंट्स को देखा जाएगा, अगर आपके बॉडी इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर कोई दिक्कत है तो वो भी देखा जाएगा, और यही एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है हर एरिया में फुल बॉडी चेकअप का। तो आप चेक करा लीजिए अगर आपको लगता है। लास्टली दोस्तों होता है डेंटल। डेंटल में सबसे रेयर केसेस होते हैं कि बच्चे रेकमेंड ना हो, हर एक दांत के लिए आपके पॉइंट बना रखे होते हैं। और अगर जैसे मान लीजिए मेरे पास 26 दांत हैं, तो मेरे मिनिमम से मिनिमम 20 पॉइंट्स तो बनते हैं। अगर मेरे कुछ दांतों में कीड़े हैं या फिर कुछ दांत मेरे जैसे मान लीजिए आधा टूटा हुआ या टेढ़ा है, तो उसके पॉइंट कट जाते हैं। बट डेंटल बहुत ही रेयर केसेस में आप अपने उसमें बोल सकते हैं कि आप रेकमेंड नहीं हो पाते। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि अगर आपका डेंटल का कोई केस है, कमेंट में उसे डालिए, मैं आपको पूरा क्लियरिफाई करके बताऊंगा, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, जो मैंने ग्रुप बनाया है उस पे मैं आपको पूरा क्लियर करके बताऊंगा कि आपके डेंटल में क्या क्या पॉइंट्स कट सकते हैं। तो दोस्तों ये थे आपके टोटल 11 पॉइंट SSB मेडिकल एग्जामिनेशन के, और अभी जिस हिसाब से मैंने आपको ये बताया है, आप बैठ के बाद चेक करिए अपने आपको, अगर आपको कोई भी दिक्कत है जो मैंने तरीका बताइए आप उसको करिए, या फिर आप मुझे वापस कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको क्लियरिफाई करके एकदम हेल्प कर दूंगा आपकी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों मैंने SSB में DC का एक ग्रुप बना रखा है, अगर आपको वो ग्रुप ज्वाइन करना है कमेंट्स में मैं आपको कोशिश करूंगा कि व्हाट्सएप ज्वाइनिंग लिंक दे दूं, या फिर अगर वो नहीं है तो आप कमेंट में अपना नंबर दे दीजिए, मैं आपको ज्वाइन करवा दूंगा। तो दोस्तों मैं प्रणव आपके चैनल SSB में DC से साइन ऑफ करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।